दोस्तों आज विच क्राई खेल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी पजल सॉल्व करनी पड़ेंगी। सबसे पहले गमले को उठाकर यहाँ से लेंगे चाबी, चाबी से खोल देंगे दरवाजा। किसके दिल का? किसी के दिल का नहीं दोस्तों, रड़ुआ मरना है हमें। तो हमें ऊपर चलते जाना है और वहाँ पर हमें मिलेगा कुछ ना कुछ आइटम। तो भाई सबसे पहले दादी की बुढ़िया की पेंटिंग दिखी और यहाँ पर दिख गई हमें क्या, क्रैंक नाम का कुछ वस्तु। इस क्रैंक का कहाँ यूज़ करें? यहाँ पर ताला भी है, इसकी भी चाबी चाहिए। तो सबसे पहले क्रैंक में से हमने कुएं में से बाल्टी निकाल ली दोस्तों, और बाल्टी निकालते ही सांप चाचा देख लिए, इन्हें रस्सी बना देंगे। बना दी रस्सी। रस्सी बनाने के बाद यहाँ से उठाएंगे भाई शीयर्स। शीयर्स का यूज़ क्या है चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जाना है हमें झाड़ियों में, और झाड़ियों में क्या करें, झाड़ थोड़ी पाएंगे दोस्तों, झाड़ियों में झाड़ को काट देंगे। काट दिए झाड़, एक एक करके सब झाड़ काट देंगे। अरे आगे क्या है भाई, क्रॉसबो दिख गया हमें। तो क्रॉसबो का, क्रॉसबार बोलते हैं इसको, क्रोबार, क्रोबार का यूज़ कर लिया हमने। हमने भाई साहब सब बटन तोड़ दिए, बटन नहीं दोस्तों उन्हें नेल्स बोलते हैं। तो भाई हमें पावड़ा मिल चुका है, इस पावड़े का यूज़ क्या है दोस्तों चलिए बता दें। यहाँ पर भी ऐसी गिट्टी दिखें, तोड़ दें ऐसी गिट्टियों को। अरे भाई हमें तो चाबी मिल गई, लगता है उसी घर की चाबी है जिसमें हम अभी गए थे। ऊपर गए, खुल गया, मैंने बोला था ना। लेकिन ये क्या, इसके अंदर तो एक और लॉक दिख गया। कोई बात नहीं, पामड़े का भी यूज़ ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से भी हमें खुदाई चालू करनी है दोस्तों, खोद दें दोस्तों। अरे ये क्या है, अगर इस पर टंग गए, अरे अच्छा ठीक है। तो वो बाल्टी जो मिली थी उसे यहाँ पर टांग देंगे दोस्तों, और भारी भरकम पत्थर इस बाल्टी के अंदर रख देंगे जिससे कि ये अपने आप फूट जाएगा। एक और पत्थर रह गया, फूट गया, हो गया छेद। देख के आते हैं इसके अंदर क्या है, चलिए फटाफट नीचे चलते हैं और देखा जाए कि इसके अंदर क्या बला है आखिर। अरे भाई गेट लगाया है, हर जगह ताला ही ताला मिल रहा है दोस्तों। ऊपर जाके देखें यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। अरे चिट मिल रही है दोस्तों, जादू सीखना है इसे, बड़े पत्ते करने की निंजा टेक्निक लगी है इसमें। तो अब देखें हम अपने बड़े पत्ते कैसे करते हैं। सबसे पहले पत्ते के पास चलते हैं और उस जादू को अपनाते हैं और देखें, वाह पत्ते बड़े हो गए। फटाफट इस पर चढ़ा जाए, चढ़ने के बाद हमें कुछ आइटम मिलेंगे, उन आइटमों का भी यूज़ करके दिखा दूँ आपको फटाफट फटाफट दोस्तों। तो सबसे पहले आ चुके हैं हम इस घर में जहाँ पर हमें आइटम दिख गया। आइटम क्या है भाई, तकरीये के नीचे कुछ पेंटिंग। अच्छा यहाँ तो एक गुफा का रास्ता है, इस गुफा में हमें जाने से मना किया गया है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा दोस्तों। ऊपर चलते हैं, ऊपर भी कुछ दिखाता मुझे, देखें क्या है। अरे ये तो आइटम वो है जो लगेगा हमारे पोस्ट बॉक्स में। तो पोस्ट बॉक्स में फटाफट लगाकर यहाँ से लेटर निकाल लेते हैं। एक और जादू दोस्तों, एक और जादू क्या है, बूढ़ी अम्मा को नचाना दोस्तों, चलिए नचा दें बूढ़ी अम्मा को, नचा दें दोस्तों। नाच गई बुढ़ैल, क्या आप भी नचाना चाहते हैं अपनी अम्मा को? तो जादू की छड़ी ले लें छड़ी। चलिए जादुई गुफा की तरफ चलते हैं, दाएं बाएं करते करते हम जादुई गुफा की तरफ पहुंच जाएंगे जैसा कि मैप में लिखा हुआ था दोस्तों। अब फटाफट मैप को फॉलो करते करते उस गुफा की तरफ पहुंच ही जाने वाले हैं। थोड़ी देर लगेगी क्योंकि उसमें बहुत टर्न थे, हमें भी बहुत टर्न लगाने पड़ेंगे। अरे पहुंच गए गुफा की तरफ दोस्तों, झाड़ भी काट दें, इस आइटम को साथ लेकर आएँ सीयर्स को, जिससे झाड़ कट जाए। यहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ है, तो फटाफट जो गेट पर लॉक है उस कोड लॉक को इससे अनलॉक करेंगे। एक कोड देख लिया मैंने, 00 को कोई महत्व नहीं था वहाँ पर, उसके पीछे का अक्षर का महत्व था, वही अक्षर लिखना है। इसके अंदर हमें मिलने वाला है कुछ ना कुछ, ठीक है क्या है वो सामने टंगा हुआ है दोस्तों। ये पेंटिंग का भाग था, मैंने पेंटिंग पर लगा दिया। एक और मैंने जब हम वहाँ पहली बार गए थे वहाँ पर देखा था, ये रहा, तो इसको भी फटाफट लगा देंगे। पेंटिंग को पूरा करने के बाद पेंटिंग से कोड दिख गया मुझे, क्रॉस और जीरो और चौकोर। उसको इस मशीन गन में डाल देंगे, सॉरी मशीन गन में नहीं, तिजोरी में दोस्तों, तिजोरी में डाल देंगे, जिससे कि हमारी तिजोरी अनलॉक होगी, हमें चाबी मिल जाएगी। खुल जा सिम सिम, खुल गई दोस्तों, चाबी भी मिल गई। अब फटाफट इस चाबी से वो कुएं वाला दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो कुएं वाले दरवाजे की ओर चलते हैं और दरवाजे को खोल देते हैं दोस्तों। ये खुल गया दरवाज़ा,
खुल गया क्या? आपने भी दरवाजे खोले हैं तो हमें कांटेक्ट करके जरूर बताएं। इस गेम को पूरा करने के लिए मेरा धन्यवाद करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। मिलते हैं अगली मीटिंग।